हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि तीन निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने हरियाणा में सीएम बदला था। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी समय जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी भी सरकार से बाहर हो गई थी। हालांकि इस पार्टी के कुछ विधायक सरकार के समर्थन में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने अपना समर्थन वापस लिया है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर हरियाणा में सीटों का गणित क्या है। 2019 के चुनावी नतीजों को देखें तो किसी भी पार्टी को पूर्ण तौर पर बहुमत नहीं मिला था। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 41 सीटों पर बीजेपी, 30 पर कांग्रेस, 10 पर जेजेपी और 9 पर अन्य को जीत मिली थी। जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बावजूद बीजेपी की सरकार बची रही थी, क्योंकि उसके अपने 41 विधायकों के अलावा 7 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक का समर्थन था। वहीं जेजेपी के भी कुछ विधायक सरकार के समर्थन में आ गए थे, जिसके चलते जेजेपी भी टूट हो गई थी। अब अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए कुल 45 विधायकों की जरूरत होगी। 40 विधायक बीजेपी के पास है, 7 निर्दलीय और एक एचएलपी में से 3 निर्दलियों को हटा दें तब भी बीजेपी के पास 45 विधायकों का समर्थन है। अगर जेजेपी के 1 या 2 विधायक भी मौजूदा सरकार का समर्थन कर देते हैं तो सरकार को कोई संकट नहीं होगा। आपको बता दें, तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फैसले से लोगों को अवगत कराया था। हरियाणा में बीते कई हफ्तों से काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को भी सीएम बना दिया था। वहीं इस बीच राज्य में बीजेपी और जजपा का गठबंधन टूट गया था। राज्य में जजपा के 10 विधायक हैं, हालांकि 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के कारण बीजेपी सरकार फिलहाल बची हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा में होती हैं।